तो फाइनली आज खेसारी लाल यादव का रंदे बसंती का ट्रेलर रिलीज हो गया, लेकिन इस फिल्म से जो हम लोग आशा कर रहे थे ये फिल्म तो कुछ अलग ही निकल गया मेरे भाई। ट्रेलर को देखने के बाद तो एकदम मैं तो शॉक रह गया कि भाई मतलब क्या हम लोग उम्मीद किए थे और ये क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये फिल्म का ट्रेलर स्पेशली मुझे कैसा लगा और मेरे भाइयों को कैसा लगा, आप लोगों का भी रिव्यू भी जानेंगे, एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपका भाई का चैनल है, आपका मन करे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं मन करे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दें मेरे भाई कि आज SRK म्यूजिक से सुबह सुबह 6:30 बजे ही खेसारी लाल यादव का रंग दे बसंती फिल्म का ट्रेलर आता है। जो ट्रेलर को देखने के बाद तो लगता है, फर्स्ट में तो विश्वास ही नहीं होता है कि हम कोई भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर भी देख रहे हैं। देखते देखते मतलब ऐसा ऐसा सीन आता है बैक टू बैक, मतलब क्या बताया जाए। देखते देखते एकदम लगता है कि मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर देख रहा हूँ। या जबरदस्त सीन भाई, क्या VFX यूज किया गया है, क्या सिनेमैटिक सीन लिया गया है, मतलब बहुत ही जबरदस्त। और दूसरा में अगर बात किया जाए इस फिल्म का लोकेशन के बारे में, क्या जबरदस्त। मुझे तो लगता है कि इस फिल्म का आधा से ज्यादा जो भी सीन है वो कश्मीर में ही शूट किया गया है। बर्फबारी मतलब एक्चुअल जो कहा जाए ना कि लगता है कि आर्मी वाला फील आ रहा है कि हाँ सच में आर्मी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर एकदम लग रहा है कि हाँ ओरिजिनलिटी एकदम देखा जाए तो इस फिल्म में झलक रहा है। मतलब इस फिल्म का सीन को देखा जाए तो लग रहा है कि एकदम ओरिजिनलिटी आर्मी का जो दृश्य होता है वो हम लोगों को दिखाया जा रहा है। ये नहीं कि फिल्म शूटिंग किया जा रहा है। कितना लोग तो फिल्म बनाते हैं तो लगता है कि जैसे कि आर्मी तो बन गए हैं लेकिन नौटंकी कर रहे हैं, वो चीज नहीं। इसमें लग रहा है कि कुछ तो है भाई, एकदम देशभक्ति वाला जुनून जज्बा, वो खेसारी भैया का डायलॉग, मतलब कुल मिला के जबरदस्त है। लेकिन एक चीज मैं पहले ही कहा कि मैं जब इस फिल्म का टीजर को देखा था तो मुझे लगा था कि ये फिल्म राम जी के मुद्दे पर बनाया गया हो, क्या कि जिस तरह से पोस्टर आया था पूरा भगवा वाला, खेसारी भैया का गाना आया था हनुमान जी की जय राम जी की जय, तो लग रहा था कि राम जी के बेसिक पर इस फिल्म को शूट किया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देशभक्ति है, लेकिन टीजर को देखने के बाद वैसा देशभक्ति वाला कुछ लग नहीं रहा था कि इतना जबरदस्त देशभक्ति सीन इसमें दर्शाया गया होगा। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद अब यह विश्वास हो गया कि नहीं, इस फिल्म में एकदम देशभक्ति का जुनून जज्बा सब चीज है। और मुझे जहां तक की लगता है ट्रेलर को देखने के बाद खेसारी भैया अपने देश के ही लिए अपने धर्म को परिवर्तन कर करके इसमें दिखा रहे हैं, क्योंकि कभी इस फिल्म में खेसारी भैया पूरा हिंदुत्व वाला रोल निभाते आ रहे हैं तो कभी मुस्लिम भी बन जा रहे हैं। तो दोनों धर्म को मिलाकर एकदम इस फिल्म को कहा जाए तो कॉन्सेप्ट पर बहुत ही भयानक ढंग से काम किया गया। और दूसरे में खेसारी भैया का लुक, क्या जबरदस्त लुक दिया गया है। एक बात तो एकदम चंद्रशेखर आजाद वाला मूछ रख ली है, कहीं पर मूछ को हटा दिए हैं, और लास्ट जो मतलब उनका फेस आता है ना भाई, क्या जबरदस्त, मैं तो देख के दंग रह जाता है। मुझे तो ये विश्वास नहीं होता है कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी इतना बेहतर कर सकता है मेरे भाई। और दो हीरोइनों को इसमें दिखाया गया है, दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत हीरोइनी है, और मतलब कहा जाए कि बॉलीवुड लेवल की कोई अभिनेत्री हमारी भोजपुरी में आती है तो भाई बॉलीवुड वाले का जो एक्टिंग है ना वही स्किल से पता चल जाता कि हाँ ये बहुत ही ऊपर लेवल की कलाकार हैं। जो मतलब वो आर्मी की पत्नी वाला मुझे लगा उनका सीन बहुत ही जबरदस्त लगा मेरे भाई। मतलब चेहरा के इंप्रेशन से कहा जाए तो एकदम उस सीन में डूब गई हो वैसा आदम लग रहा है। लेकिन क्या बताया जाए, मुझे तो इस फिल्म का सबसे बेहतर सीन लास्ट वाला ही लगा, जो कि खेसारी भैया का ये फोटो था। दिल जीत लिए खेसारी भैया, जितना तारीफ करे इस ट्रेलर का उतना कम है। मैं तो आज तक जितने भी भोजपुरी फिल्मों का ट्रेलर देखा था सबसे अलग हटके लगा, सबसे बिजोड़ लगा, सबसे मतलब क्या कहता है। मुझे अगर इस फिल्म को रेट देना होता तो मैं पूरे के पांच रेट देने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भोजपुरी कहां था और आज मेरा भोजपुरी कहां पहुंच गया ये सोचकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। दिल जीत लिए खेसारी भैया, लव यू। आज मुझे ये चीज विश्वास हो गया कि अब हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। खैर मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा, ये तो मेरा विचार रहा। अब आप लोगों का विचार मैं जानना चाहूंगा मेरे भाई कि आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा। आप लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर खेसारी भैया से कितना खुश हुए, कितना चीज आप लोगों को इसमें कमी लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
हो सके तो मैं आप लोगों का एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और खेसारी भैया तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करूंगा कि देखिए ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस कितना खुश है और ऑडियंस आपके ट्रेलर को देखकर कितना सेटिस्फाई है, ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि फिल्म आप लोगों के लिए बना है। जब तक ऑडियंस खुश नहीं होगी तब तक कितना भी अच्छा फिल्म बना लीजिए, फिल्म बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो आप लोग अपना कॉमेंट में राय विचार जरूर लिखिएगा और अगर ये भाई का विचार आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा कहा गया बात से अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।